डॉक्टर एच एल विश्वकर्मा सर, डॉक्टर जैनेन्द्र जैन सर, डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल सर, डॉक्टर विनय कुमार सिंह सर, डॉक्टर एस के टेकाटे सर, मिस्टर पी के सारवा सर, मिस्टर एस के प्रजा साथ ही हमारे संस्था के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र हमारे कार्यक्रम स्थल पर ओपन स्टेज द प्रोग्राम लोकेशन Shri Shri Jaya Kama
Though Uncle Dias all are considered as our guest. In India, it is said, Atithi Devo Bhava. Means our guests are considered as God figures. That's why we honor and respect our guests. So, first of all, please have a great round of applause. जिनके लिए आज हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं उनके बारे में भी कुछ सब मैं कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में मैं कहना चाहूंगा। देखते हैं आज हर शहर में चमचमाती सड़कें, ओवर ब्रिज और गगनचुंबी इमारत है। आज हर शहर में चमचमाती सड़कें, ओवर ब्रिज शहर है, एक आकर्षक स्थान है। आज जगदलपुर एक सुव्यवस्थित शहर है, आकर्षक स्थान है। मैंने सुना है इसके निर्माण में हमारे कॉलेज का भी विशेष योगदान है। आज देश में डैम के पानी से लहलाते खेत और हमारे सिविल इंजीनियरों का कमाल है। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए। अपने देश से लॉन्च हो रहे हैं, अब हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रहे हैं।
तभी तो मिशन मार्स और चंद्रयान अपने देश से लॉन्च हो रहे हैं। एग्रीकल्चर, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, हर जगह मशीनों का बोलबाला है। ऑटोमोबाइल के नए इंजनों ने पूरी दुनिया को हिला डाला है। ऑटोमोबाइल के नए इंजनों ने हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है, तो प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर मैकेनिकल इंजीनियर। मशीन में रोटियां सेकते हैं, इसकी पदौला का बेसिक कूलर चलाते हैं, टेलीविजन देखते हैं। कभी सोचा है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? लेकिन कभी सोचा है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? आज हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी बल्बों से जगमगाती रात। तो प्लीज हमारा ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और एक शुभकामना देता हूँ कि आज हमारे कॉलेज के लिए नई आयाम तय करेंगे। और going ahead to the next level of the program, it's time to listen, to exchange ideas. It said that if you have a point and I have a point and we exchange at the same time, if you have one idea and I have one idea, and after exchanging that ideas, we both will have two ideas. So it's time to receive, to share the message, the motivation, the experience of our engineers, our professors. Okay. So, first of all, I'd like to call our program, Mr. S. P. Padamani, sir. शर्मा भारत रत्न डॉक्टर सर एम बी, इनको शॉर्ट नेम बोला जाता है सर एम बी, के जन्मदिन के अवसर पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी क्या खास बात थी उनमें जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्या खास था उसने के बारे में? वीयर गेट ब्लड सिस्टम, ये वीयर गेट क्या होता है मैं आपको फल से बता दूँ क्यों इसको कहते हैं, जो इसका अचीवमेंट है। ये ऐसा डैम था वीयर सिस्टम जो खड़कवासला में है, आज तक भी है वो। जैसे ही पानी आता था, बाढ़ का पानी वहाँ पर, उसका जो वीयर गेट मतलब होता है जल द्वार, जैसे ही पानी आता था ऊपर, वो गेट जो है ऑटोमेटिक खुल जाते थे, और जैसे ही पानी रिसीव करता था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते। यही चीज उनके खासियत की थी, वो इसकी वजह से लोग मेजर अचीवमेंट में है। इनके अलावा इनके कुछ क्वालिटीज थे, बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। वहाँ के जो लोग देखते थे, सड़क पे चलते थे, जो वहाँ पर देखे कि सर एम बी जा रहे हैं, अपनी घड़ी मिला लो उनसे, देखो वो गलत कभी नहीं होते थे। ये था उनका टाइम का सेंस। यहाँ अंत में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं, भगवान ने उनको गार्ड ने अच्छा स्वास्थ्य दिया था, अच्छा आयु दी थी, वो 100 साल के जन्मदिन पे भी एकदम स्वस्थ थे, 100 साल की उम्र भी एकदम स्वस्थ थे वो। और उनका कहना था कि दुनिया में अगर आपको सफाई का काम दिया भी जाए, सफाई का काम, प्लेटफॉर्म की सफाई का काम दिया जाए, तो इतनी शिद्दत के साथ करो कि दुनिया में और कोई भी उस काम को उस सफाई न कर सके, ऐसा शिद्दत के साथ। इसके बाद एक और good afternoon, the dignitaries on the dais, faculty members, staff members, dear students,
and ladies and gentlemen. Today, we gather here to celebrate the Engineers Day. This day is dedicated to legendary engineer M. Moksubhanam Visvesvaraiya. This day is selected as an Engineers Day on the birth anniversary of Visvesvaraiya. He was born on 15 September 1861 in the Budanahalli village at Kolar district at Karnataka. He completed his primary education at district level. After that, for higher education, he shifted to Bangalore, but due to financial implications, he was not able to continue his education. So he taken the tuitions, private classes for writer. So this is the full form of the engineers. Now the engineering is a professional art for applying sciences to optimum conversion of natural resources to the welfare of society. This code confirms the influencing of engineers in science and technology. This operates at the interface of science and society, the engineering is the backbone of the technology. Today, India has a vision in the area of research, communication electronics, communication engineering, information technology, rural development, food processing, agriculture engineering, to use their intelligent brain, mind to solve the problems of the society. Today, according to the Vision 2020, transforming India to developed country, given by our former President of India, Dr. APJ Kalam, not only engineers, but everyone should be responsible, should give a integrity for the development of the country at their level. International Institute of Education, ladies and gentlemen, has named Educationist Award. Indian Scholarly Council, New Delhi तरफ से राजीव गांधी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड और ऐसे ही ना जाने कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है हमारे प्रिंसिपल सर को. साथ ही अगर हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो भी हमारे सब सर की उपलब्धियों के सामने काफी छोटे पड़ जाते हैं. सर ने प्राचार्य के रूप में 14 वर्षों तक हमारे इस जीसी जगदलपुर को सेवा प्रदान की है, जो कि अपने आप में उपलब्धि एक रिकॉर्ड कायम करता है. साथ ही सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत की. सर ने 1987 में असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत करके एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग और प्रिंसिपल के रूप में इस संस्था में अपनी सेवा प्रदान की. साथ ही सर की कई उपलब्धियां उनके एक्टिविटी में भी है. सर एक्सपर्ट कमेटी AICTE न्यू दिल्ली के मेंबर हैं. साथ ही मेडिकल एजुकेशन के हर फील्ड में आज भी एक्टिव हैं और पूरी कुशलता पूरी क्षमता के साथ हर जगह अपनी सेवा दे रहे हैं. अगर आगे हम पैटर्न के बारे में कहें तो सर के नाम से कई ऑस्ट्रेलियन पैटर्न ऑफिस में इनोवेशन पैटर्न भी है. सर ने पानी पर भी सर ने बुक लिखा है जिसको कि इंटरनेशनल पब्लिशर जर्मनी और इंग्लैंड में जिसको प्रकाशित किया गया है. पेपर्स की बात करें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि कि सर ने पूरे 33 रिसर्च पेपर जो है प्रकाशित कराया है. साथ ही उन्होंने पीएचडी रिसर्च और इंजीनियरिंग में भी बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया है, ऑडिट किया है. तो इनके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि में भी सर ने हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. साथ ही पोस्ट कराने के बाद कई कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन.
महाविद्यालय के शिक्षकगण जो मंच पर आसीन है, डॉक्टर जनेंद्र जैन सर, भारत रत्न मैथमेटिक्स, डॉक्टर विश्वकर्मा सर, भारत रत्न फिजिक्स, डॉक्टर सिंह सर, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर डिकाते सर, विभागाध्यक्ष आईटी, डॉक्टर हिमांशु सर, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल, वरिष्ठ शिक्षक श्री आदरणीय सारवा सर, सिविल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रजापति सर, इलेक्ट्रिकल के खराब डिपार्टमेंट राजपूत सर, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण तथा इस महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी यंग इंजीनियर साथियों, सर्वप्रथम आप सबको भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। किसी भी महापुरुष का जन्मदिवस और हम भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए जरूर करें। इसके लिए हमें थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा और जब ऐसा आप कर जाएं तो आप भी बहुत भाग्यशाली होंगे। लगभग जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 1200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इंजीनियर बनने के बाद आप में से भी एक दो लोग विश्वेश्वरैया जैसे बनकर अपने देश की सेवा करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी इस महाविद्यालय को। धरती पर लाखों लोग और लाखों जीव जंतु अवतरित होते हैं और ये उन नाम जिंदगी जीकर वापिस चले जाते हैं, लेकिन उसी धरती पर उसे सरिया जैसे लोग भी अवतरित होते हैं जो अपने देश के लिए ऐसा काम कर जाते हैं तो सारा देश उसको याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि विश्वेश्वरैया जी को भारत देश ने भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और ये आपका प्रोफेशन का है, आप जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए और हमको भी वैसे ही प्रयास करना चाहिए। वैसे तो सम्मान में उनके जन्म दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने के लिए हम यहाँ मजबूर हैं। मैं इन्हें पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वांत का समय था। राष्ट्रीय जागरण एवं चेतना की लहर से ओतप्रोत था। जब हम गुलाम थे उस समय की बात, जब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था, एक तरफ लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जैसे नेता भारत माता के गले से गुलामी के जंजीरें तोड़ने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत को फिर से विज्ञान के नक्शे पर स्थान दिलाने के लिए, हम आप जानते हैं कि गुलामी के समय भारत के हर प्रकार की चीज को नहस्तस कर दिया गया था, तो
तो उसी लिए कि विज्ञान के नक्शे पर पुनः स्थान दिलाने के लिए जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, मेघनाथ साहा जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक प्रयत्नशील थे। तीसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे जैसे आचार्य भारतीय संगीत साहित्य एवं कला की सुसंस्कृत विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पकृत थे। वहीं चौथे तरफ एक भारतीय इंजीनियर ने यह विचार कर लिया कि देश की राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, पर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी का लाभ भारतवर्ष को अवश्य मिलना चाहिए। और इसी दृढ़ निश्चय से वह अकेला भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए जूझ रहा था। उस समय विशेषज्ञ जैसे एकाधी इंजीनियर थे जो उन्होंने पुणे में बीएससी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उस समय इंजीनियरिंग का कोई कोर्स ऐसा स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे हुआ नहीं, होता नहीं था। आप समझ गए होंगे कि हम इस महान इंजीनियर का नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके आज याद में हम ये अभियंता दिवस मना रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी का जन्म यहाँ किसी जगह 1860 लिखा हुआ है, कहीं 1861 लिखा हुआ है, तो इस पे ध्यान न दीजिए। 15 सितंबर 1860 में मैसूर राज्य के एक छोटे से गांव मध्यम हल्ली के एक निम्न मध्यम परिवार में था। उनका बचपन में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। अपने माँ बाप के घर पर रहकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। देखिए कितना विषम परिस्थिति के लिए उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पढ़ने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए घर नहीं, मामा के यहाँ जा करके उन्होंने उनकी सहयोग से पढ़ाई करने के लिए संकल्प किया और उस समय घर घर जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते, लेकिन ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च वो खुद उठाते। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त की, तत्पश्चात मैसूर राज्य में मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त कर मेधावी छात्र विश्वेश्वरैया ने पुणे में साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया और 3 वर्ष की इंजीनियरिंग कोर्स मात्र 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कम उम्र में जो है वो मेट्रिकुलेट हो जाते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने 3 वर्ष के कोर्स को 2.5 वर्ष में ही पूरा कर लिया और परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया। 1883 में युवा विश्वेश्वरैया ने अपना जीवन मुंबई प्रेसिडेंसी में एक इंजीनियर के पद से प्रारंभ किया। मुंबई में उन्होंने एक सब इंजीनियर के पद पे नौकरी ज्वाइन की, वहां से फिर अपना वो इंजीनियरिंग का कार्य शुरू किया। अपनी कड़ी मेहनत, तीक्ष्ण बुद्धि एवं ईमानदारी के बल पर वे शीघ्र ही उस पद पर जा पहुंचे जहां तक उन दिनों भारतीय नहीं पहुंच सकता था, ब्रिटिश राज्य था। कितना भी आप कुछ कर लें, आपको सर्वोच्च पद पर जाने नहीं दिया जाता। फिर भी विश्वेश्वरैया जी के दृढ़ संकल्प ने उनको ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया। बंबई की राजकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने पुणे में 1889 में ब्लॉक सिंचाई पद्धति से एवं 1901 में खड़गवासला के जलाशय पर स्वचलित फाटक, जो कि एक विश्वेश्वरैया फाटक कहलाया बाद में, उन्हें एक ऐसा डैम बनाई उसमें फाटक लगाया तो वो स्वचलित था। मतलब ये हुआ कि यदि पानी ज्यादा हुआ तो फाटक अपने आप खुल जाता था, कम हुआ तो बंद हो जाता। मतलब वहां पर ऑपरेट करने के लिए किसी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं थी। उस जमाने में उन्होंने ऐसा डैम में ऐसा गेट बना करके रखा जो स्वचालित था, परंतु उनका मन, उनका विचार मग्न ऐसा था कि किसी प्रकार से ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने का अवसर मिले ताकि हमारी बड़ी बड़ी
उपयोग बाढ़ को रोका जाए, सिंचाई में की जा सके एवं बिजली बनाई जा सके एवं कल कारखाने लगाए जा सके। अतः स्वप्न देखने वाले इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने राजकीय स्वर्णपूर्ण पद त्याग दिया। उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो उनको नौकरी मिली थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। उनकी इच्छा थी तो और आगे काम करें, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, बाढ़ के बारे में देखें, सिंचाई पद्धति के बारे में देखें, पीने के पानी का व्यवस्था कराएं। तो उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ करके आगे देश के सेवा में निकल पड़े। उन्होंने त्याग पत्र देने के बाद निकल पड़े, विदेश भ्रमण में भी गए और विभिन्न जगह में जाकर इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, रूस में इत्यादि जगहों पर जाकर उन्होंने गहन अध्ययन किया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किन किन देशों में क्या क्या हो रहा है। विदेश यात्रा में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा विज्ञान इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर ही भारत का विकास एवं आधुनिकीकरण की नींव रखी जा सकती है। और इसी दौरान उन्होंने 1908 में हैदराबाद के निजाम के प्रार्थना पर वापस लौटे तथा मुसी नदी पर बांध बनाकर एक कल्याणकारी योजना को उन्होंने मुहूर्त किया कि हैदराबाद के निजाम उनको निवेदन किया कि आप आइए, वहाँ पर एक मुसी नदी थी उसमें उन्होंने बांध बनाया और फिर वहीं से उनकी एक्चुअल इंजीनियरिंग के जो है कार्य चालू। सन 1909 में विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के निमंत्रण पर, अब उन्होंने मैसूर राज्य में पुनः उनको निमंत्रण दिया जहां पर वो चीफ इंजीनियर पदस्थ हुए और कावेरी नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई। यह वही योजना थी जिसके विरोध में मैसूर राज्य के मंत्री परिषद में वित्त मंत्री ने कहा कि यह इंजीनियर विश्वेश्वरैया पूरे मैसूर राज्य के धन को बांध के पानी में डुबो देगा। मतलब उस समय जो कावेरी नदी पे कृष्णा राजा सागर डैम के नाम से जो बना हुआ है हरथन डैम है, जो मिट्टी से बनाया गया है, जिसके नीचे मशहूर वृंदावन गार्डन है जहाँ पर फाउंटेन वगैरह चलता है, वो वाटर हेड से ही चलता है बांध के। अलग से वहाँ पंप नहीं है कि फाउंटेन चलाने के लिए वहाँ कोई पंप, तो जो बांध में पानी भरा हुआ है उसी वाटर हेड के प्रेशर से वहाँ का फाउंटेन चलता है। तो उन्होंने वो बांध बनाना शुरू किया। ये वही योजना थी जिसके विरोध में भू विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को लेकर लोकमान्य तिलक का प्रख्यात पत्र केसरी बिहार में बहुत बड़ी विस्थापित हुई, बाढ़ आया, लोग भूखे से मरे, लोग डूब गए, तो प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल गांधी नेहरू रहे हैं, उन्होंने पूछा कि ये समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तब उस समय के जो भी इरिगेशन के इंजीनियर रहे होंगे उन्होंने बताया कि साहब एक काम वो कर सकते हैं, वो विश्वेश्वरैया जी हैं, बोले बट वो रिटायर हो चुके हैं। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये रिटायर क्या होता है, बोले उनको तुरंत बुलाइए और बुला कर जो उनको वहाँ बिहार भेजा और बोले जाइए वहाँ के पूरे स्थिति को समझिए और समझ करके जो भी तकलीफ है उसको आप हल करिए और आप उस दिन रिटायर होंगे जिस दिन आप इस धरती को अलविदा कहेंगे। तो मतलब उनको पूरा जीवन पर्यंत काम करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये दायित्व सौंपा। विश्वेश्वरैया सिंचाई, जलाशय, जल वितरण, बाढ़ रोकने, पुल बनाने, विद्युत उत्पादन एवं बाढ़ निर्माण तक सीमित नहीं रहे। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में उन्होंने सीमित नहीं रहा, उनके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, वरन इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। वह 1927 से लेकर 1955 तक टाटा आयरन एंड स्टील बोर्ड के डायरेक्टर रहे। मैसूर राज्य में रेलों के विस्तार, बंदरगाहों के निर्माण, कार, हवाई जहाज के निर्माण तथा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के भारतवर्ष में प्रवेश का श्रेय जो है वो विश्वेश्वरैया जी को जाता। बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
जैसे संस्थान की स्थापना विश्वेश्वरैया जी के ही कार्यकाल में उनके ही से हुआ था। तो इस प्रकार से विश्वेश्वरैया जी सिर्फ सिविल इंजीनियर होने के बाद भी सिर्फ सिविल इंजीनियर तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने जो है दूसरे क्षेत्र में बहुत काम किया। विश्वेश्वरैया हमेशा देश विदेश के इंजीनियरिंग एवं विज्ञान और विज्ञान संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने अपने सदैव अप टू डेट करते रहे हैं, अपने जीवन में देश के सेवा में समर्पित रहे हैं। इसी कड़ी में 7 सितंबर 1955 को एक ऐतिहासिक दिन भी आया जब भारत सरकार ने इंजीनियर विश्वेश्वरैया को देश के प्रति समर्पित सेवा के लिए उनसे सबसे जो ऊंचे अलंकार जो मैंने कहा कि भारत ने उनको प्रदान किया। तो विश्वेश्वरैया जी जो पूरा भारतवर्ष में न सिर्फ सिविल में बल्कि हर क्षेत्र में काम किया और ऐसे महान व्यक्ति जो इस देश में आए और उसको हम आज याद कर रहे हैं। यदि हम थोड़ा भी उनके जीवन से सीखें और अपने में ढालें और उस पर चलने का प्रयास करें तो आज का ये हमारा अभियंता दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। तो मैं आप सभी से इस मन से गुजारिश करूंगा कि हम भी इस धरती पे अवतरित हुए हैं, हमारा भी छोटा से छोटा कुछ न कुछ योगदान देश के लिए समाज के लिए होना चाहिए। और इसी शुभकामनाएं के साथ पुनः आप सभी को अभियंता दिवस के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रेरणादायक है और उनके देश के प्रति जो योगदान है उनको हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। आपने अपने शब्दों में उनके हम सबकी ओर से तालियों से अभिनंदन करें। हमारे प्रचार जी के उत्कृष्ट विचारों का अभिनंदन कर हमारे इंजीनियर्स का सिविल सेवन सेमेस्टर के प्रवेश शामिल है, बहुत बहुत बधाई। इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ, जिस तरह से आपने अपने स्किल को अपने टेक्निकल थॉट को एक मॉडल का रूप दिया है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आज इंजीनियर्स डे पर आप सब एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे और हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर दफ्तर हमारे गेस्ट के चेयर्स को स्टेज के सामने रख देंगे ताकि कल्चरल प्रोग्राम जो है क्रिटिकल एग्जीबिशन के तुरंत बाद प्रारंभ किया जा सके। तो मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा, सम्मानीय प्रोफेसर से आग्रह करना चाहूँगा कि वे टेक्निकल एग्जीबिशन में उपस्थित होकर हमारे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन करें और स्टूडेंट को बात कर लें जो सब 20 वोल्ट 200 वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं, लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे।
So I invite Sri Khan and Hashim.
हरियाणवी है मिस अरुंधती लाते फ्रॉम 777 इंजीनियरिंग ब्रांच थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा दुआएं अदा कीजिए हमारी अरुंधती के लिए थोड़ा तालियां तो बजा दीजिए Today, we all have gathered here to celebrate Engineers Day. India celebrates Engineers Day as the birth anniversary and contribution of Sir Mosh Gurbang Visheshwaraiya. He is one of the greatest engineers of all the time. He has significantly contributed to India through his vision and dedication in the field of civil engineering. He was born on 15 September 1861 in a small village called Mundelhalli in Karnataka. He received his degree of civil engineering from Pune College of Engineering. His expertise was in the field of irrigation and flood disaster management. He had designed an automatic flood water barrier gate in Karnataka. He had designed an automatic flood water barrier gate in Pune at 1903 at Kharagpur Desire. He had also designed some flood barriers in Hyderabad. He had established a government engineering college called University Visheshwaraiya College of Engineering in 1970. Beside the renowned engineer, he was the 19th Dewan of Mysore and he had received India's highest honor, Bharat Ratna, in 1955. Sir M. Visheshwaraiya breathed his last on 12 April 1962. There is a famous quote that engineering is the art of applying science for the conversion of natural resources to the benefit of man. This quote indicates and confirms the influence of engineers in the development of nation. They play a part between science and technology. Today, India has a very great vision and mission in the field of science, technology, irrigation, agriculture, food processing, and so on. So we need engineers with vision, passion to turn vision into action, who think differently and confront all the problems at a point. At last, I want to remind you all of old age which said, engineers rule the world. And engineers... Thank you.
मैंने पूछा चिड़ियों से, मैंने पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो लड़की नहीं कोई खूबसूरत बना है, वो लड़की नहीं कोई खूबसूरत बना है, मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है, मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। Yeah.
the innovation we did 7th semester information technology engineering se aap sabhi ka hardik abhinandan karti hu. Good afternoon to all of you. My name is Bharati Thakur from mining engineering branch. Samay ka sadupyog karte hue hum agli prastuti ki or badhte hain. इसलिए मैं मंच पर सीमा साहू मैम असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए एवं अपना गीत प्रस्तुत करें और ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सीमा साहू. Thank you.
शिक्षक बहन, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और मेरा सादर प्रणाम। मैं कोमल साहू सेवन सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का छात्र हूं। मैं आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मुस्कुराकर चलो तो सही। जिंदगी की राह उतनी आसान तो नहीं फिर भी तुम मुस्कुराकर चलो तो सही। रास्ते में आए कितने भी अड़चन, थोड़ा सा मुस्कुराकर आगे बढ़ो तो सही। दोस्तों, जिंदगी में ना जाने कितने ही मुड़ाएंगे, कोई गलत तो कोई सही मंजिल तक पहुंचाएंगे, मगर चलना तो है तुमको संभल कर, तभी तो वो राह तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएंगे। कागज की कश्ती की है जिंदगी, ना जाने कब ये रुक जाएगी। थोड़ा हंसले मुस्कुराले जीवन में ये जीवन सुनहरी बन जाएगी। एक छोटी सी मुस्कान जो सबके दिल को दे आराम, जिस चेहरे पर ना हो मुस्कुरा, समझो उसका जीना है बेकार। हंसो हंसाओ हर पल हर दिन, ये जिंदगी में ना जाने कितने दिन बीत तो जाएगी, ये जिंदगी है अधूरी अपनों के लिए। हंस लो जरा तुम जीवन में, लादो मुस्कुराहट चेहरे पे, ना जाने जीवन का परिंदा कब उड़ जाए अगले क्षण में। जब साझा है खुला रहना, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, कभी कभी हमको एकदम निराशा ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर से एक आशा की किरण जरूर होती है। तो जब साझा है अंधेरा रहना राहों में, धीमे धीमे चलना उन अंधेरों में, ये अंधेरा तो है कुछ क्षण भर का, आएगा उजियारा अगले क्षण में। दोस्तों, इसके आगे कुछ और लाइन के साथ मैं अपनी पंक्तियां खत्म करना चाहूंगा। कांटों से भरी है जीवन की राहें, फिर भी हम अपनी मंजिल को चाहे, जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं, फिर भी तुम मुस्कुराकर चलो तो सही। ये पंक्ति शायरी के साथ मैं अपना जो कविता है उसको विराम देना चाहूंगा। किसी ने कहा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर होते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। और ऐसे ही हुनरबाजों को हम इंजीनियर कहते हैं। धन्यवाद।
घर नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो मैं अपना परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा। महानदी के तल पर धारा और दुआ की छाव है, महानदी के तल पर धारा और दुआ की छाव है। फिर से मैं लिख देंगे मनुष्य काम करना है, मनुष्य काम करना है। अरे भाई ऐसे अचानक कैसे आए? लगता है अब बचना ही पड़ेगा हसीनों को यहाँ से। हमारे विधान अकेडमी जो हुआ है आज यहाँ सुंदर प्रस्तुति का दौर आने वाला है, आज यहाँ सुंदर प्रस्तुतियों का दौर आने वाला है, नूर यहाँ बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाओ क्योंकि आपका हो सूर्य का निराला है। अरे सूर्य भाई जी सर आपको बधाइयां, बहुत बहुत बधाई आप सभी को इंजीनियर की बहुत बहुत बधाई। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की इस मधुर मेला में। बहुत ही मधुर समय आया है, आज अभियंता दिवस है, तो मैं अभियंता दिवस के अवसर पर दो लाइन कहना चाहूंगा। इरशाद इरशाद आप ही कुछ कह दीजिए ना। तो ये दो लाइन तो सर्वप्रथम आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो समय को हम विद्युत ध्यान में रखेंगे और बढ़ते हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो निराला जी आप सबके बीच अभी प्रस्तुति देने आ रही है स्वास्तिका एंड साथी मराठी डांस लेकर के, एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत कीजिए। I'm gonna be the one to make you mine.
अभी इस मंच को तो आने वाला था, लेकिन अगर आप लोगों की भीड़ देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो पहले सोच रहा था वो ज्यादा मान रहा था, समझते हैं ना अपन, क्योंकि पुराने लोग हैं इसलिए मैंने अगर नया टाइम लिया तो फिर आप लोग भी काम करेंगे।
शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी को जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर मेरी स्वरचित कविता कहने का अवसर दिया। पर इससे पहले मैं आधुनिक भारत के प्रथम आधुनिक अभियंता के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा जिनके लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरय्य जी। सन 1860 में मैसूर में हुआ जिनका जन्म एक महान व्यक्ति हुए मोक्ष गुंडम, जिन्होंने कराया कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण, कहलाए कर्नाटक के भागीरथ समान। आधुनिक भारत के लेखक हुए, एक अनमोल रत्न, विश्व विख्यात हुए भारत माँ के अभियंता पुत्र मोक्ष गुंडम। भारत अर्थव्यवस्था और भारत का पुनर्निर्माण, जीवन के 75 वर्ष में जिनका हुआ भारत रत्न से सम्मान। पूरे 100 वर्ष पर हुआ डाक टिकट चलन, प्रथम आधुनिक अभियंता को जन्मदिन पर सादर नमन। पर 101 वर्ष की दीर्घायु में हो गया जिनका निधन, स्मृति पटल पर जीवित हैं भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरय्य। अब मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा जो सबसे बड़ी अभियंता है, हमारे अभियंता निर्माणकर्ता, हमारे शिक्षक। व्यक्तित्व विचार की बातों में जब नाम किसी का आता है तब वह शिक्षक कहलाता है। शिक्षा की बातें सुनकर स्वयं ज्ञान बढ़ाता है और न जाने कितने जीवन में एक नया पुल छेड़ जाता है। इंद्रधनुष सा रंग लगाकर कभी पलाश सा सुंदर हो जाता है, कभी डहेलियों सा पुष्प खिलाकर एक नई कलाकृति बनाता है। पवित्र मन की एक परिभाषा जिसे शिक्षक कहा जाता है, आत्मविश्वास और मनोबल की बातें जो हृदय से समझाता है, गणित के सवालों से कठिन जीवन को जो सरल बनाता है, विज्ञान की परिभाषा से जीवन का नया परिचय करवाता है, हाँ वह शिक्षक कहलाता है। धन्यवाद। और अब कुछ पंक्तियां आज की अभियंता के बारे में जो सबसे विशेष है। वैसे अभियंता की आज थोड़ी कम पहचान है, बहुत कम लोगों में है सच्चे अभियंता होने की पहचान, पर संभव कहां अभियंता बिना देश का निर्माण, क्योंकि देश की प्रगति में है अभियंता का मुख्य योगदान। पर उससे पहले अभियंता निर्माणकर्ता शिक्षकों को मेरा प्रणाम, जो सरल व्यक्तित्व मनोभाव से नीव के निर्माण से चल की बहान, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है कुल का तो माली भी चाहिए, गुलशन हो कुल का तो माली भी चाहिए, दिल हो दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, कार्यक्रम है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए, आपकी ताली भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
बिल्कुल ये नहीं देखी होंगे आपने। डॉगी डॉग बिल्कुल बचपन में आकर कार्टून देखते थे। धन्यवाद। तो हमारा अगला कार्यक्रम है हिलाला जी। अभी कितने समय से अपन देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड गाना पे कोई नाच रहे हैं, कोई मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा किया है इन्होंने। लेकिन अभी अपन चलते हैं रॉ टैलेंट की ओर। रॉ टैलेंट मतलब कि इस संसार में नहीं मिलती, इस संसार में नहीं मिलती। धन्यवाद।
अव्यवस्थित कमरे देकर तीन कपड़े, अव्यवस्थित कमरे देकर तीन कपड़े से मत समझिए कि अनाड़ी होते हैं, अव्यवस्थित कपड़े देकर तीन कपड़े से मत समझिए कि अनाड़ी होते हैं, ये फिजिक्स और मैथ से मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, अपने मेहनत से ज्ञान की कुल्हाड़ी युद्ध हार करके आते हैं, अपने मेहनत से ज्ञान की कुल्हाड़ी युद्ध हार करके आते हैं, तभी तो पीटी या ट्रिपली और जेई जैसे चांद पार करके आते हैं। कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, इनका नॉलेज एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं, इनका नॉलेज एकदम प्योर है, हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों की बात ही कुछ और है। वैसे ये कब क्या करेंगे, वैसे ये कब क्या करेंगे, पहले से कुछ तय नहीं होता है, वैसे ये कब क्या करेंगे, पहले से कुछ तय नहीं होता है, तभी तो इनके सोने और जागने का कोई समय नहीं होता है। लेकिन लेकिन पंक्चुअलिटी में, लेकिन पंक्चुअलिटी में ये बिल्कुल गजब खाते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी में ये बिल्कुल गजब खाते हैं, कभी कभी तो बिना नहाए फेस वॉश करके कॉलेज पहुंच जाते हैं। इनके इमोशनल बहानों के आगे, इनके इमोशनल बहानों के आगे प्रोफेसरों का भी चलता ही जोर है, हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों की बात भी कुछ और है। क्लास शुरू होते ही, क्लास शुरू होते ही सिलेबस से इनका विचलित मन होने लगता है, क्लास शुरू होते ही सिलेबस से इनका विचलित मन होने लगता है, कॉलेज के वाईफाई की तरह इनका स्पीड अचानक धीरे धीरे कम होने लगता है, क्लास शुरू होते ही सिलेबस से इनका विचलित मन होने लगता है, वाईफाई के स्पीड की तरह इनका अटेंडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, बस हाजिरी लग जाए, बस हाजिरी लग जाए, सब्जेक्ट टॉपिक तक तो पहुंच ही नहीं है, बस हाजिरी लग जाए, सब्जेक्ट टॉपिक तक तो पहुंच नहीं है, ज्यादातर सिर हिलाते नजर आते हैं, समझते कुछ नहीं है। अब बताइए इन्हें समझाने का क्या कोई तरीका, कोई दौर है, अब समझाइए इन्हें, अब बताइए इन्हें समझाने का क्या कोई तरीका, कोई दौर है, हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों की बात ही कुछ और है। भले ही क्लास से भागने में, भले ही क्लास से भागने में अव्वल ये 100% लगते हैं, भले ही क्लास से भागने में अव्वल ये 100% लगते हैं, पर प्रिंसिपल सर से परमिशन लेना हो तो बड़े सिंपल और इनोसेंट लगते हैं। भले ही क्लास से भागने में अव्वल ये 100% लगते हैं, पर प्रिंसिपल सर से परमिशन लेना हो तो बड़े सिंपल और इनोसेंट लगते हैं। वैसे ये हर टेक्निकल प्रॉब्लम को, वैसे ये हर टेक्निकल प्रॉब्लम को सेट कर देते हैं, वैसे ये हर टेक्निकल प्रॉब्लम को सेट कर देते हैं, और अगर प्रॉब्लम ना हो तो खुद ही क्रिएट कर देते हैं। रिसेस टाइम में भी इनका ना कोई ठिकाना ना ठौर है, रिसेस टाइम में भी इनका ना कोई ठिकाना ना ठौर है, हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों की बात ही कुछ और है। अब ये विशेष लाइन, कुछ छात्र तो ईद के चांद की तरह कुछ ऐसे खो जाते हैं। जी हाँ, मेरे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट समझ गए शायद, कुछ छात्र तो ईद के चांद की तरह कुछ ऐसे खो जाते हैं, साल भर दिखाई देते नहीं, प्रोग्राम के दिन प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं, और कुछ तो इतने फास्ट होते हैं कि हर काम को हिट कर देते हैं, और कुछ तो इतने फास्ट होते हैं कि हर काम को हिट कर देते हैं, जिसका असाइनमेंट कॉपी करते हैं उससे भी पहले सबमिट कर देते हैं।
एग्जाम के समय हर छात्र विवेकानंद हो जाता है। वैसे सेमेस्टर में कुछ भी करे, एग्जाम के समय हर छात्र विवेकानंद हो जाता है। अगर एक दिन पहले भी पता चले तो एग्जाम की रात तक सिलेबस खत्म हो जाता है। और ऑनलाइन एग्जाम में भी ये सवालों से जूझते रहते हैं। जी हाँ, और ऑनलाइन एग्जाम में भी ये सवालों से जूझते रहते हैं, किसका आंसर कहाँ मिलेगा यही फोन करके पूछते रहते हैं। किसका आंसर कहाँ मिलेगा यही फोन करके पूछते रहते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में पाता हूं ये पीडीएफ भेज कर भी, ये पीडीएफ भेज कर भी भेजते रहते बस हो, और एक आश्चर्य और
ऑफिशियली इस प्रोग्राम को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ बस सबसे पहले सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा और रिक्वेस्ट है कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस प्रोग्राम को आज की सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और बहुत सारे सामने यहाँ के काम किए, बहुत सारे पीछे से बैकग्राउंड से काम किए, तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हमारे जो इस प्रोग्राम के हेड थे कहा जाए, जिनके परमिशन के बदौलत ही हमारा ये प्रोग्राम इतने अच्छे से सक्सेसफुल संपन्न हो पा रहा है, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जी बी खरे सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से चाहे वो किसी भी मैटर में हो, ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हो रहा है और शायद इवन 2016 में शायद लास्ट हुआ था इस टाइप का प्रोग्राम, उसके बाद ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है और ये प्रोग्राम आज बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बैकग्राउंड में हमारे जो एक और प्रिंसिपल है डॉक्टर ए के दुबे सर, उन्होंने जो परमिशन दिया कि यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, वो है नहीं यहाँ बट फिर भी वो हमारे प्रिंसिपल हैं और उन्होंने परमिशन दिया, तो मैं उनको भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू दुबे सर। और इसके बाद बात आती है उससे निचले कड़ी में जो इस पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे सिविल से डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर एस के प्रजापति सर, जिनके मेहनत और अथक परिश्रम से किसी समझ से समझ में आ रही है नाम सुन रही है कि मतलब इनका कितना योगदान है, कितना बड़ा योगदान है जो एक प्रोग्राम इतने अच्छे से हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर प्रोफेसर एस के प्रजापति सर। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी समितियाँ थी, बहुत सारे मेंबर्स थे, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारे अशोक यादव सर, सभी को पता है कि उनका कितना योगदान रहा है, तो थैंक यू अशोक यादव सर। हमारी मैडम्स लोग हैं प्रियंका तिवारी मैडम है, संजय साहू मैडम है, सीमा साहू मैडम है, जिनके सामने आए बहुत सारे लोग या जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था और उन्होंने सेलेक्ट किया था प्रोग्राम, और शायद कोई भी निराश नहीं होगा आज के प्रोग्राम से, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं आई थिंक एवरी वन वाज ऑसम, सभी के सभी हासिल थे परफॉर्मेंस। तो थैंक टू ऑल दिस मैन जो इतने अच्छे मतलब पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करके हमारे सामने लाए, और साथ में फिर उसके बाद बहुत सारे और भी अरेंजमेंट हुए थे चेयर्स के लिए, अनुशासन के लिए, तो हमारे जितने भी मतलब मेंबर्स थे डॉक्टर रिगार्डिंग प्रिपरेशन, मैं बहुत वरी था कि कैसे होगा आज प्रोग्राम कल तक, लेकिन ये सारी मेहनत पूरी मेहनत लगन ये जो दिख रहा है आज तक नहीं हुआ ऐसा। जब से एनुअल फंक्शन हो या यूनिवर्सिटी हो, ये ऐसा चीज आज तक नहीं हुआ, वो भी विदिन टाइम में आप लोगों ने करके दिखा दिया इसे। सारे मैन इंटायर स्टाफ पूरा लगा रहा, पर्टिकुलरली बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल भी जरा जरूरी कर रहे हैं कि सर टेंट वाला नहीं आया है अभी तक, ये साउंड वाला नहीं आया है, कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, स्टेज सजा नहीं था बिल्कुल भी, और सुबह का 11 बजे का प्रोग्राम था, बहुत बड़ी थे हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन गाइस जितने मेहनत किए बच्चे लोग पूरे खाना लिया, सेकंड सेमेस्टर मैम लोग सर लोग सब सब ने पूरा जोर लगा दिया, जोर छोड़ दिया यहाँ पर करने के लिए और आज आउट करने के लिए। ऐसा लग रहा था प्रोग्राम आज का जैसे आर्केस्ट्रा हो,